अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपको ज़िला उकाड़ा के गांव खल कलां में ले जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये उसी की सड़क है, और मैं अपनी बाइक पर बैठा हूँ, अभी हम उसकी तरफ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गांव खल कलां में। आप देख सकते हैं ये मकान आता है और ये गलियां। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। चकला फोटो चकला कितना चोर है। प्यारे दोस्तों, हम गांव खल कलां में हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ हमारे दोस्त, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजम। इन्हीं के साथ हम इनकी बैठक में बैठे रहे हैं पहले थोड़ी देर, अब हम इनसे ही पूछते हैं कि ये क्या करते हैं, और अपने गांव के बारे में बताएं कि गांव में कैसे लोग हैं, और ज़्यादातर कौन सा पेशा अख्तियार किया हुआ है इन लोगों ने। ये हमारे गाँव में बहुत ही अच्छे लोग हैं अखलाकी तौर पे भी, और हमारे गांव में इन दो तीन सालों में काफ़ी तरक्याती काम भी हुए हैं। दो तीन चार साल पहले
और वैसे भी हमारे गांव में अमन अमान है। पेशा कौन सा अख्तियार किया आपने बताया नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा है। हमारे गांव में ज़्यादातर जो लोगों का पेशा है वो ज़राअत का है, खेती बाड़ी का। हाँ, और इस वक्त कौन सी फसल काश्त की हुई है? इस वक्त चावल की जो है ना, धान की फसल। हाँ, धान। अच्छा, तो प्यारे दोस्तों आपने देखा ये हमारे भाई मोहम्मद नाजम साहब बता रहे हैं कि आजकल धान की फसल है और भी वो भी तकरीबन तैयार है, कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। आपको आगे लेकर चलते हैं, बाज़ार में हूँ। ये छोटा सा बाज़ार है, तंग सा बाज़ार है। इसमें मकान तो ज़्यादातर पक्के ही हैं और ये सामने स्कूल है। देखते हैं इसका क्या नाम है, आप देख सकते हैं अल मुस्लिम पब्लिक स्कूल। और ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं है। दोस्तों ये इस गांव की मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद और बहुत प्यारी सी। अल्लाह के सभी घर प्यारे ही होते हैं, आप देख सकते हैं। ये साथ छोटी सी गली है और अब हम भी और ज़ुबैर भाई आ गए हैं, हम भी नमाज़ अदा कर लें। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, आप देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों हम इस वक्त इस गांव की एक हवेली में हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ मवेशी खड़े हैं, ये भैंस है और ये साथ में इस भैंस का फल और वो गाय बैठी है। मैं क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, ये सामने भैंसें हैं और ये जो इस वक्त चारा खा रही हैं। वजन ये टोका है, वो मशीन जिससे भैंसों के लिए चारा बनाया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस पर इसके ऊपर मोटर लगी हुई है जो बिजली से चलती है। और ये आप देख सकते हैं चारा जो भैंसों को डाला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इस गांव में लोग वॉलीबॉल खेल खेल रहे हैं, तो मैं आपको करीब जाकर दिखाता हूँ। बाल पूरी करा रहे हैं, आ हो भाई, ये बाल है।
दोस्तों आज हम इस गांव में एक और हवेली में हैं। आप देख सकते हैं कच्ची दीवारों पर मुश्तमल ये, और ये दीवारें बहुत प्यारी लग रही हैं, मिट्टी से बनी हुई। और सामने मवेशी हैं, और सामने वो एक भाईजान मवेशी को खोलकर, मवेशियों को खोलकर बांध रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं वो मवेशियों को पालने के तरीके और मवेशी दूध कितना देते हैं, ये अब हम उनसे बात करेंगे। कि इनमें से कौन कौन सी गायें और कौन कौन सी भैंसें दूध देती हैं और कितना कितना दूध देती हैं। तो चाचा जी आप बताएं हमें भी, ये जो गायें हैं सामने खड़ी है ये दूध देती है? जी बिल्कुल। कितना दूध देती है ये? ये देती है 6 किलो। 6 किलो बता रहे हैं कि 6 किलो एक वक्त में 6 किलो देती है? एक टाइम में 6 किलो दूध देती है, और 2 टाइम में 12 किलो हो गया इसका। और इसके अलावा ये जो वो बच्चे, हाँ जी वो वाली, ये वाली आप देखें, ये चाचा जी बता रहे हैं, ये सामने गाय खड़ी है ये वाली, 2 टाइम दूध 10 किलो दूध 10 किलो देती है। और ये सामने देखें आप मवेशी चारा खा रहे हैं, ये देखें, ये बिल्कुल गांव का देसी माहौल है, देसी देसी। और ये चाचा जी ने चादर बांधी हुई है ऊपर बनाए हुए। और ये हमारे गांव के बिल्कुल देसी माहौल है, सादा माहौल है, सादा सादा गलो नंगे सीधा सीधा काम। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा या शायद अपनी दुकानदारी चमका रहा है, और इसने क्या रखा है, मिठाई है, मिठाई है, और ये तोशे हैं, ये साथ में क्या, ये भी मिठाई है, ये भी मिठाई है, और ये दुकानदार है आप देखें। तो अब हम आगे चलते हैं। अब अगर आपके मुंह में पानी ना आए तो मैं आपको ये केले और अंगूर और सेब दिखाता हूँ। क्या बात है, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये इस गांव का कब्रिस्तान है, हमारी आखिरी मंजिल। हर इंसान ने मरने के बाद यहीं आना है। ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, फूट फट रहे हैं।
मुदसर किंदा पुत्र है? सरवर दा। सरवर केड़ा? सरवर मार। सरवर मार, क्या बात है तेरे, क्या बात है। दांत कभी साफ नहीं किए तू? नहीं। ते कराया कर मोड़? गांव की आबादी से बाहर निकलकर खेतों की तरफ आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि यहां खेत और कौन कौन सी फसल काश्त हुई है। यहां आजकल मूंजी का ही सीज़न है और मूंजी तकरीबन तैयार होने वाली है और ज़िला कसूर और ज़िला उकाड़ा में ज़्यादातर मूंजी ही काश्त होती है। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं और अगर रास्ते में कोई और फसल हुई तो आपको दिखाएंगे। और सामने शायद टूल चल रहा है, ट्यूबवेल, हम आपको दिखाते हैं वहाँ जाकर। तो पहले दोस्तों आप देख सकते हैं ये फीटर इंजन है और इसी के ज़रिए ज़मीन से पानी निकल रहा है जिससे खेतों को खराब किया जाता है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये इस नाल के ज़रिए पानी निकल रहा है। ये ऊपर पीपल का दरख्त है चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि मैं इस सड़क के किनारे पर खड़ा हूँ। ये यहाँ पर नहर है और मैं आपको ये नहर दिखाता हूँ। नहर है और ये नहर की दोनों साइड पर छोटा छोटा सा रास्ता है जिससे लोग अपने जहाँ पर मवेशी रखे जाते हैं उस तरफ जाते हैं। ये दूसरी तरफ ही आप देखें, इधर भी नहर है। से ये नहर दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये पाकिस्तान की वाहिद नहर है जिसका पानी उल्टा बहता है, ऊपर की सतह की तरफ जा रहा है। ज़्यादातर पानी नीचे की तरफ जाता है और ये पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये सामने सूरज डूब रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में याद रखिएगा। आमीन।